यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। यानी ।2019 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक गर्मी मुंबई से सटे नालासोपारा विधानसभा सीट को लेकर देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार 11 बजे के लगभग नालासोपारा के इलाका में प्रदीप शर्मा अपने लाव लश्कर की 10 गाड़ियां को साथ गुजर रहे थे, तभी बहुजन विकास आघाड़ी के लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने प्रदीप शर्मा की गाड़ियों को रोककर जबरन भारी हंगामा शुरू कर किया। भीड़ का आरोप था कि प्रदीप शर्मा गांव-गांव में घूमकर पैसे बांटने का काम कर रहे और उनकी वाहनों में लाखों रुपया रखे हुए है। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और प्रदीप शर्मा और उनके साथ की गाड़ियों को घंटों तक भीड़ में फंसे रहने के बाद निकाला गया। प्रदीप शर्मा और उनके सभी साथी अपनी कार में शीशा बंद कर घंटों तक खामोश कार में बैठे हुए थे। वहीं क्षितिज ठाकुर से के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि गाड़ियाँ रोकने के दरमियान सुरक्षा कर्मियों सहित पुलिस ने बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और बिना तलाशी लिए हुए कार को जाने दिया गया। गाड़िया चेक होती पण आम्ही सोडणार नाही।
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार सगळ्या गाड्या चेक झाल्या पाहिजे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार सगळ्या गाड्या चेक झाल्या पाहिजे. सगळ्या गाड्या चेक झाल्या पाहिजे. 12 वाजता उमेदवार यायचे. हा रात्री 12 वाजता उमेदवार आलाय ना, सगळ्या गाड्या चेक झाल्याच पाहिजे. सगळ्या गाड्या खोला चेक करा. सगळ्या गाड्या खोलून चेक करा. सगळ्या गाड्या खोलून चेक झाल्या पाहिजे. चेक झाल्या पाहिजे. जिथपर्यंत गाड्या खोलून चेक होत नाही तिथपर्यंत आम्ही गाड्या सोडणार नाही. टू झेड गाड्या खोलून चेक झाल्या पाहिजे. ही गाडी झाली ना चेक. गाड्या चेक झाल्या पाहिजे. पोलीस पोलिसांना काम करतील. पुढे गाडी चेक झाली का? गाडी चेक झाली का? झाली गाडी चेक झाली. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.